ए रंग है रंग है रंग है सौ तरह के रंग है रंग है रंग है रंग है सौ तरह के रंग है कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े हर कोई देखे आंखें फाड़े ओ आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े खजुरा हो कि खामोश मूरत प्यार की कितनी प्यारी सूरत एमपी में हर कोई दंग है वो दंग है वो दंग है मांडू का महल देखने आए जहाज देखा चक्कर खाए सांची में आके स्तूपा देखा शांत होकर हिंसा को फेंका एमपी में आई हर रूह मलंग है मलंग है मलंग है मलंग है ए महाकाल की पूजा दृश्य न कोई दूजा एमपी में आई हर रूह हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि इंडिया का हार्ट माना जाता है, सेंट्रल में आया हुआ एक स्टेट है, उसके बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश की जब जनरली मध्य प्रदेश की कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री आती नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य हुआ था जिसका नाम छत्तीसगढ़ था, उसके पहले एकमात्र ऐसा स्टेट था मध्य प्रदेश जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री और ना कोस्ट लाइन टच करती थी। अब मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का हब कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर लार्जेस्ट अमाउंट का कॉपर होता है। मध्य प्रदेश के अंदर लार्जेस्ट अमाउंट का डायमंड होता है। आप लोग जानते हैं जो मध्य प्रदेश की जो डायमंड की खान है पन्ना, वो काफ़ी फेमस है और इसलिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के अंदर की हम बात करते हैं और कई फेमस जो घराने हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर आए हुए हैं, जैसे कि इंदौर का घराना, सैन्य घराना, माहिर घराना, ग्वालियर घराना, ये हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के फेमस घराने हैं। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो धूपगढ़ का माउंटेन है, जो कि मैंने सेंट्रल में लिखा हुआ है। इसकी जो हाइट है वो टोटली 1350 मीटर है, जो कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन के पास आया हुआ है। अब उसके बारे में ब्रीफ नोट बात करते हैं। मध्य प्रदेश का जो नेबरिंग स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है, जो कि उससे अलग हुआ था 2000 नवंबर के अंदर। यूपी जो कि उसके नॉर्थ साइड है, महाराष्ट्र जो कि साउथ साइड है, गुजरात, राजस्थान। इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी जो कैपिटल है भोपाल है। भोपाल का 1972 में भोपाल एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना। उसके पहले वो सीहोर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट था उसके अंदर सम्मिलित था। उसके एरिया की बात करते हैं तो जो इसका एरिया है वो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है, और एरिया के हिसाब से इसकी रैंकिंग देखी जाए तो सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। लेकिन ये मध्य प्रदेश 2000 के पहले फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ, उस वजह से इसका एरिया डिवाइड हो गया और ये जो सिद्धि है अब वो राजस्थान के पास है। इसका पॉपुलेशन की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर 7,26,2609 है। पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो फिफ्थ नंबर पे आती है मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट काफ़ी ठीक ठाक है, जो कि 70.6% है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। डेंसिटी की बात की जाए तो 240 पर किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब एक किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं, 240 लोग। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो टोटली 52 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर हैं। भोपाल सीहोर है, रायसेन है, राजगढ़ है, विदिशा है, भिंड है, मुरैना है, सोयापुर है, ग्वालियर है, अशोकनगर है, शिवपुरी है, दतिया है, गुना, इंदौर, अलीराजपुर, बरवानी, बुरहानपुर, धार, खांडवा, झाबुआ, खरगोन, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा इसलिए फेमस है क्योंकि जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उस छिंदवाड़ा से चुन के आते थे। कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडोरी, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद। होशंगाबाद इसलिए फेमस है क्योंकि जो हमारी जो रुपी की नोट होती है वो होशंगाबाद में प्रिंटिंग प्रेस है जो रुपी की नोट की छपती है। रीवा, सतना, सिद्धी, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवारी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, आगर, देवास, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर और शहजापुर। इस तरह टोटली मध्य प्रदेश के अंदर 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब मध्य प्रदेश की रिवर्स के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो रिवर्स मेन है वो चंबल है, केन है, बेतवा है, नर्मदा है, सिप्रा है, तापी है, सोन है।
जो नर्मदा है वो जबलपुर से यहाँ से निकलती है, जो कि अमरकंटक का पर्वत है वहाँ से निकलती है, और जो कि सीपरा नदी है ये वही जगह है जहाँ पे उज्जैन नाम का जो शहर है, जो प्राचीन शहर है और धार्मिक स्थल है हिंदुओं के लिए, वो सीपरा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो कि कुंभ भी वहाँ पे लगता है, कुंभ मेला। सोन नदी ये काफ़ी फेमस नदी है। जो बेतवा और कैन है ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी का है, वहाँ पे जाके ये जो बेतवा और कैन नदी है दोनों यमुना नदी के साथ मिल जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, टोटल 230 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। लोकसभा के अंदर 29 मेंबर है मध्य प्रदेश के, राज्यसभा के अंदर 11 मेंबर हैं। हाईकोर्ट इसका जबलपुर में है, लेकिन जो इसकी बेंच है वो इंदौर में भी है और ग्वालियर के भी अंदर इसकी बेंच है हाईकोर्ट की। और एयरपोर्ट की बात की जाए तो टोटल मध्य प्रदेश के पास 5 एयरपोर्ट है। भोपाल, भोपाल के एयरपोर्ट का नाम है राजा भोज एयरपोर्ट। इंदौर, इंदौर के जो एयरपोर्ट है उसका नाम अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट। जबलपुर एयरपोर्ट, ग्वालियर एयरपोर्ट, खजुराहो एयरपोर्ट। इस तरह टोटली 5 एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के पास हैं। लेक्स की बात की जाए तो भोजताल, सारंग पानी लेक, मोती लेक, अपर लेक, साहबपुरा लेक, ये टोटली लेक भोपाल के अंदर आए हुए हैं। तवा रिजर्वर जो कि होशंगाबाद के अंदर है। डैम्स की बात की जाए तो जो डैम है वो बन्न सागर डैम है, जो कि सन नदी के ऊपर, जो सोन नदी है उसके ऊपर आया हुआ शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इंदिरा सागर डैम और ओमकारेश्वर डैम जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है खांडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बन्ना डैम जो बन्ना नदी के ऊपर है, जो कि रायसेन मतलब भोपाल से कहीं पास में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे ये डैम है जो कि बन्ना रिवर। गांधी सागर डैम, जो गांधी सागर डैम है वह चंबल नदी के ऊपर आया हुआ है और जो कि मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये डैम है। भीमगढ़ डैम जो कि वैन गंगा रिवर के ऊपर है और सियोनी डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन कई अदर अदर लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि मालवा, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज बुंदेलखंडी, ये सब वहाँ के बोली जाती है। स्टेट एनिमल की बात की जाए तो स्टेट एनिमल बारहसिंगा है। वर्ड्स की बात की जाए तो इंडियन पैराडाइज फ्लाइंग कैचर नाम का एक वर्ड आता है, जिसका फोटो भी देख सकते हो डिस्प्ले हो रहा है, तो वह है। फ्लावर, फ्लावर की बात की जाए तो मैडोना लिली उसका स्टेट फ्लावर है। स्टेट ट्री की बात की जाए तो बनियन स्टेट ट्री है। अब हम बात करते हैं फेस्टिवल और फेयर। काफ़ी फेस्टिवल और काफ़ी फेयर मनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो लोक रंग फेस्टिवल जो कि भोपाल में होता है, खजूरा फेस्टिवल जो कि खजुराहो में होता है, भागोरिया फेस्टिवल जो कि खरगोन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में लगता है, मालवा उत्सव जो कि इंदौर और उज्जैन में भी लगता है, नागाजी फेस्टिवल जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, चित्ते बिहार फेस्टिवल जो कि सांची में लगता है, जो कि बुद्ध धर्म का काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है, तानसेन समारोह जो कि ग्वालियर में लगता है, भोज समारोह जो कि धार में लगता है, तेजाजी फेस्टिवल जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लगता है, और पंचमढ़ी महोत्सव जो कि पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, हिल स्टेशन भी है पंचमढ़ी। अब डांस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के काफ़ी फेमस डांस है रीना डांस, चाटखोरा डांस, भगोरिया डांस। ये जो भगोरिया डांस है ये भील कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मटकी डांस जो कि मालवा रीजन के अंदर काफ़ी फेमस डांस है, जो कि अहिर और गडरिया कम्युनिटी है वो इस डांस को परफॉर्म करती है। गोंचा डांस जो कि गोंड ट्राइब करती है। बार डांस, लहंगी डांस, परधौनी डांस, बधाई डांस जो कि बधाई डांस है वो बुंदेलखंड रीजन में काफ़ी फेमस है। सैरा डांस जो कि गंग्योर मतलब एक फेस्टिवल आता है गंग्योर, उस टाइम पे एक डांस परफॉर्म किया जाता है जो कि गुजरात के डांडिया जैसा होता है, उसे हम कहते हैं सैरा डांस। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। मध्य प्रदेश के काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी फेमस नेशनल पार्क हैं, जनरली टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं। अब मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा इंडिया में यदि किसी भी स्टेट में टाइगर हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर है। पेंच नेशनल पार्क जो कि छतरपुर के अंदर है, कान्हा नेशनल पार्क जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ के पास में है, संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि सिद्धी है, वन विहार नेशनल पार्क जो कि भोपाल में है, पन्ना नेशनल पार्क जो कि छतरपुर में है, और सतपुरा नेशनल पार्क पंचमढ़ी में, और मंडला फोसिल नेशनल पार्क मतलब इंडिया का सबसे पहला फोसिल नेशनल पार्क मंडला जो कि एमपी के अंदर है। अब पर्सन के बारे में बात करते हैं, फेमस फेमस पर्सनैलिटी कौन है जो कि मध्य प्रदेश के हैं। हम बात करते हैं तो लता मंगेशकर जी जो कि आप सभी जानते हैं वो मध्य प्रदेश से आते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो मध्य प्रदेश से हैं, चंद्रशेखर आज़ाद वो मध्य प्रदेश के थे, तात्या टोपे वो मध्य प्रदेश के थे, कैलाश सत्यार्थी जिन्हें पीस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था यूसुफ मलाला के साथ, रघुराम राजन जो कि 23rd गवर्नर थे हमारे आरबीआई के, उसके बाद जो गवर्नर बने वो उर्जित पटेल बने, और अभी हाल ही में शक्तिकांत दास हमारे 25वें आरबीआई गवर्नर हैं।
शंकर दयाल शर्मा जो भी जिनका जन्म भोपाल में हुआ था, भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे, भोपाल स्टेट के, नॉट ए मध्य प्रदेश, रिमेंबर इट। तो शंकर दयाल शर्मा 9वें प्रेसिडेंट थे, 9वें राष्ट्रपति थे हमारे देश के। फिर बात करते अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के 11वें प्रधानमंत्री थे और बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, राहुल द्रविड़, किशोर कुमार और कालिदास, ये सब मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कालिदास के बारे में एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, जो कालिदास सम्मान समारोह है, जो कि कालिदास की याद में एक सम्मान दिया जाता है, वो कौन देता है, वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। और मध्य प्रदेश काफ़ी कुंभ मेला जो कि उज्जैन में लगता है, वो मैंने नहीं लिखा है, फेस्टिवल फेयर में जो कि बहुत बड़ा कुंभ मेला उज्जैन में सिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो शिवराज सिंह चौहान है जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।